सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा न मिस कर पाए। तो भाई यार मैं आपको बता दूं ना, यदि आप एक तत्काल टिकट बुक किए ना तो आप उसे भूल कर भी कैंसिल मत करिएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई यार ऐसा क्यों, तो यार चलिए आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का हम आंसर जानते हैं। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं ना, यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करके देखिएगा, नहीं तो आप तत्काल टिकट कैंसिल कर देंगे और रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाकर आप यही बोलेंगे साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का, तूने ये कैसा रूल बनाया। तो यार खैर छोड़िए, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई यार चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें तत्काल टिकट जो है क्यों नहीं कैंसिल करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप एक तत्काल की कंफर्म टिकट कैंसिल करते ना तो आपको रिफंड अमाउंट कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि एक रुपए भी नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया ना, तो मैं फिर से आपको बता दूं, यदि आप तत्काल की कंफर्म टिकट यदि आप कैंसिल करते हैं तो आपको एक रुपए भी वापस नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप जो पैसा लगाकर टिकट को बुक किए थे वो पैसा आपका डूब जाएगा। तो यार अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे भाई। तो यार मैं आपको बता दूं, IRCTC का यह रूल है कि कोई भी पर्सन तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल करता है तो उसको कोई भी रिफंड अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा। इसे मैं आपको बता दूं ना, यह बात मुझे भी नहीं पता था। एक दिन क्या हुआ कि हमने एक टिकट बुक किया तत्काल टिकट सेकेंड AC का, तो यार तत्काल टिकट सेकेंड AC का हमने बुक किया, फिर उसे 2 घंटे बाद कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद में मोबाइल में एक मैसेज आया कि भाई नो अमाउंट विल बी रिफंडेड, जो कि ये मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर कुछ ऐसा लिखा है। तो यार मेरे दिमाग में यार मैं सोचा कि भाई यार जो हमने टिकट लगाकर पैसा खर्चा किया था, अब उसे मैंने कैंसिल कर दिया टिकट को, तो क्या ये मेरा पैसा वापस नहीं आएगा। तो यार मैं आपको बता दूं, ऐसे में मैंने तुरंत जो है IRCTC हेल्पलाइन नंबर 1 पर कॉल लगाया, और यार लाइव रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको अपने मुंह से नहीं बताना चाहता हूं, आपको लाइव कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर सुना देता हूं। सर हमने एक टिकट बुक किया था कंफर्म टिकट तत्काल का सेकेंड AC का, तो हमने उसे कैंसिल कर दिया, तो क्या उसका रिफंड वापस नहीं आएगा। नहीं सर, तत्काल की कंफर्म टिकट कैंसिल करेंगे तो कोई भी रिफंड नहीं होगा सर आपको। रिफंड नहीं आएगा? नहीं सर। ऐसा क्यों सर? तत्काल का रूल है सर, तत्काल के कंफर्म टिकट आप कैंसिल करेंगे तो कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं होता ऐसा। तो अब हमारा पैसा डूब गया। जी सर। तो फिर अब उसे हम कंफर्म करना चाहते नहीं होगा? नहीं सर, वो टिकट एक बार कैंसिल हो गया वो दोबारा नहीं मिलती और उसमें रिफंड भी नहीं होता तत्काल के टिकट में। ओके सर। ओके सर, जानकारी थैंक यू धन्यवाद IRCTC से मैं कॉल करने के लिए सर, आपका दिन शुभ हो। ओके भाई यार मैं आपको बता दूं, आपने कॉल रिकॉर्डिंग तो सुन लिया होगा कि यदि आप हम तत्काल का टिकट कैंसिल करते तो हमारा कोई भी रिफंड अमाउंट जो है वापस नहीं आएगा। भाई यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और हाँ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं जो कि ID है @arvindraj01। और हाँ चैनल पर पहली बार विजिट किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।